रोचक जानकारी चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज का वीडियो का टॉपिक है च्यवनप्राश। जैसे कि पता है अभी विंटर का मौसम चल रहा है, इस मौसम में च्यवनप्राश शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है और ये शरीर के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। और जैसे कि आपको पता है कि जब ठंडी के मौसम आती है तो च्यवनप्राश का बिक्री बढ़ जाती है, टीवी में इसके एड बहुत आते हैं। तो आज मैं च्यवनप्राश के ऊपर मैं पूरा कंप्लीट वीडियो बना रहा हूँ। ये इस पे आपको च्यवनप्राश के बारे में टोटल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि च्यवनप्राश है क्या और इसका बेनिफिट क्या है और कौन सा च्यवनप्राश बेस्ट है और कौन सा ब्रांड अभी चल रहा है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बता दूं कि च्यवनप्राश क्या है। च्यवनप्राश आप दो वर्ड से बना हुआ, एक च्यवन और एक प्राश। च्यवन एक ऋषि का नाम है जो एंशियंट्स में, पुराने समय में, वैदिक काल में जब था तो आयुर्वेदाचार्य थे, उन्होंने च्यवनप्राश की खोज की थी, इसलिए उनके नाम पे ये च्यवन डाला गया है। और प्राश मीन्स जो एक ऐसा व्यंजन, जो स्पेशल व्यंजन, इसको प्राश बोलते हैं, एक तरह से च्यवनप्राश बना। ठीक है, और इसका बनाने का जो पहला विधि है, रेसिपी है, ये आपको बता दूं कि ये चरक संहिता में मिलता है। और चरक संहिता आप लोगों ने सुना होगा कि ये पुराने काल का एक बहुत ही अच्छा किताब है, वेद है, और इसमें वेद तो नहीं है, किताब है एक पुरानी समय का, और इसमें आयुर्वेदिक से संबंधित सारे इसमें जानकारी वगैरह दिया गया है। तो उस समय से ही ये चला आ रहा है च्यवनप्राश। ठीक है, और आपको बता दूं कि च्यवनप्राश का जो मेन की इंग्रेडिएंट्स है, ठीक है, वो च्यवनप्राश का जो विधि है चरक संहिता से लिया गया है, आपको बता चुका हूं। लेकिन अभी जो मॉडर्न ये में आपको साइंटिफिक रिसर्च के हिसाब से उसमें कुछ बदलाव किया गया है और इस तरह से ये च्यवनप्राश का भी मॉडर्न विधि अपनाई जाती है बनाने के लिए। और अलग अलग ब्रांड अपने अपने हिसाब से उसमें जो हर्ब्स वगैरह जो डालते हैं वो अपने अपने हिसाब से डालते हैं। ठीक है, तो और बता दूं कि च्यवनप्राश का जो मेन की इंग्रेडिएंट्स है वो आंवला है। और आंवला आपको पता होगा विटामिन सी का बहुत ही अच्छा सोर्स है और इसमें बहुत सारे आपको बेनिफिशियल हर्ब्स वगैरह इसमें च्यवनप्राश में रहते हैं। और कोई कोई च्यवनप्राश के जो ब्रांड हैं उसमें आपको केसर और मधु वगैरह भी उसमें मिक्स किया रहता है। तो इस तरह से ये बहुत ही अच्छा शरीर के लिए च्यवनप्राश अभी ठंड के मौसम में बहुत ही अच्छा है। तो चलिए अब उसके बेनिफिट के बारे में बात करते हैं। तो च्यवनप्राश जो है इसका बेनिफिट बता दूं, च्यवनप्राश पहला बेनिफिट है कि ये इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। मैं पहले बता चुका हूं कि आंवला जो है वो इम्यूनिटी बूस्टर है, इसमें विटामिन सी बहुत ही अच्छी मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, और च्यवनप्राश में भी ये बहुत ही अच्छा मात्रा में दिया गया है। तो च्यवनप्राश जो है सबसे पहले इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में काम करता है। इसका इस्तेमाल से इम्यूनिटी इम्प्रूव होती है, इम्यूनिटी पावर बढ़ती है, और जिसे इम्यूनिटी पावर जिनसे ज़्यादा रहता है वो साधारण सर्दी जुकाम बुखार और सीजनल इन्फेक्शन वगैरह से बचे रहते हैं। तो च्यवनप्राश अगर आप देते हैं अपने बच्चे को या एजेड लोग को या खुद खाते हैं तो इससे क्या होगा, आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी और आपका जो बता दूं कि जो इन्फेक्शन वगैरह जो होते हैं उन सबसे ये बचाव होता है। अगर किसी को बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, इम्यूनिटी पावर कम है या बार बार कोई बीमार पड़ता है तो उसको च्यवनप्राश का सेवन कराने से उसका जो बीमारी है बार बार नहीं होता है। ठीक है, तो पहला बेनिफिट मैंने आपको बता दिया कि ये इम्यूनिटी के लिए बूस्टर है, बहुत अच्छा बूस्टर इम्यूनिटी के लिए और इम्यूनिटी पावर को ये बढ़ाता है। ठीक है, सेकेंड इसका है कि ये डाइजेस्टिव प्रॉपर्टीज है। च्यवनप्राश जो है इसमें डाइजेस्टिव प्रॉपर्टीज है, ये भोजन के पाचन और पोषण के लिए बहुत अच्छा है। ये मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है और शरीर के मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाता है। तो च्यवनप्राश का इस्तेमाल अगर करते हैं, किन्हीं का वीक डाइजेशन है या खाना ठीक से नहीं पचता है या भूख नहीं लगती है तो ये च्यवनप्राश का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा बेनिफिट है कि ये एजेड लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है। एजेड लोगों के लिए जो एंटी इन्फ्लामेशनरी प्रॉपर्टीज है इसका और जो इन्फेक्शन वगैरह होते हैं उन सबसे बचाता है। अगर जोड़ों में दर्द वगैरह होता है तो उन सबसे ये बचाता है, तो एजेड लोगों के लिए बहुत अच्छा है। और एजेड लोगों के लिए ये मेमोरी बूस्टर के रूप में भी काम करता है। किसी को अगर मेमोरी अपना इम्प्रूव करना है तो उसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एजेड लोगों को अगर अधिकतर मेमोरी की प्रॉब्लम होती है तो उनको ये इस्तेमाल करने से उनका मेमोरी क्षमता बढ़ती है। ठीक है, उसके बाद बता दो कि ये डायबिटीज़ वालों के लिए भी च्यवनप्राश बहुत अच्छा है। आजकल मार्केट में शुगर फ्री च्यवनप्राश उपलब्ध है, तो अगर शुगर फ्री च्यवनप्राश डायबिटीज़ वालों के लिए बहुत ही अच्छा है तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि डायबिटीज़ वालों का इम्यूनिटी पावर थोड़ा कम हो जाता है, उनको इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन वगैरह का खतरा रहता है। तो अगर च्यवनप्राश का शुगर फ्री च्यवनप्राश का सेवन अगर करते हैं तो उनको शरीर के लिए ये बहुत ही अच्छा है। ठीक है, और बता दूं कि ये
रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए भी बहुत अच्छा है। किसी को अगर रिप्रोडक्टिव सिस्टम से अगर कोई प्रॉब्लम है इनफर्टिलिटी वगैरह की, तो वो च्यवनप्राश का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारा हर्ब्स वगैरह दिए गए हैं जो शरीर के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। और बता दूं कि ला इसका जो है और अगला बेनिफिट है, ये एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज है, कि च्यवनप्राश में एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज है। जो च्यवनप्राश जो है वो जो एज बढ़ने की जो प्रोसेस होती है, एज बढ़ने के साथ जो शरीर में जो प्रॉब्लम होने लगती है उन सबसे बचाव करता है, एज की एजिंग का प्रोसेस को ये स्लो डाउन कर देता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि च्यवनप्राश का जो इस्तेमाल करते हैं तो शरीर में जो एजिंग से संबंधित जो प्रॉब्लम वगैरह होने लगती है, जैसे शरीर वीक होती है, कमजोर होती है, ब्रेन का पावर क्षमता कम होती है, तो उन सबसे ये बचाता है। तो इस तरह से च्यवनप्राश बहुत ही बेनिफिशियल है। और सबसे बड़ा तो इसका है कि इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और सर्दी खांसी जुकाम वगैरह से बचाता है। अगर किसी को सर्दी खांसी जुकाम अगर बार बार हो रहा है तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर जो बार बार बीमार पड़ते हैं उनकी इम्यूनिटी क्षमता कम है तो वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए, ये तो होगी बेनिफिट, मैंने बता दिया कि च्यवनप्राश बहुत ही बेनिफिशियल है। अगर ठंड के मौसम में तो ये बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, और हम लोग का भारत देश में तो ये बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि बेस्ट च्यवनप्राश कौन सा है। तो आपको बता दूँ कि च्यवनप्राश का बहुत सारे ब्रांड हम लोग के देश में उपलब्ध है। ठीक है, च्यवनप्राश का बहुत सारा ब्रांड हम लोग का देश में उपलब्ध है, तो उसमें से जो है बहुत सारा पॉपुलर है। तो सबसे एक नंबर पर मैं रखूंगा, सबसे एक नंबर पर च्यवनप्राश का जो ब्रांड है उसका नाम है डाबर च्यवनप्राश। डाबर एक रेपुटेड कंपनी है और इसका मार्केट वैल्यू सबसे ज्यादा है, और ये एकदम नेचुरल और प्योरिटी इसका बेनिफिट है। तो सबसे एक नंबर च्यवनप्राश जो है वो डाबर च्यवनप्राश में रखूंगा एक नंबर पे, और डाबर च्यवनप्राश एक नंबर पे रखूंगा सबसे पहले। और ये आपको 250 ग्राम से लेके 2 केजी तक के पैक में आपको मिल जाएगा। ठीक है, और इसका भी मेन फंक्शन डाबर च्यवनप्राश का है इम्यूनिटी बूस्टर। आपने एड वगैरह में भी देखा होगा कि डाबर च्यवनप्राश के एड वगैरह इम्यूनिटी बूस्टर को ही ज़्यादा प्रचारित किया जाता है। तो डाबर च्यवनप्राश बेस्ट है सबसे, मेरे हिसाब से एक नंबर पे मैं डाबर च्यवनप्राश को रखूँगा, और ये इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में काम करती है। और 2 नंबर पे रखूंगा मैं पतंजलि च्यवनप्राश को। पतंजलि अभी एक रेपुटेड ब्रांड बन चुका है, बाबा रामदेव जानते होंगे आप लोग, सुने होंगे। तो पतंजलि आज के समय में जो है वो बहुत ही अच्छा ब्रांड बन चुका है। तो पतंजलि और इसका जो प्राइस भी है अदर कंपनी के हिसाब से थोड़ा अफोर्डेबल रहता है, तो मैं 2 नंबर पर पतंजलि च्यवनप्राश को रखूंगा, और ये भी बहुत अच्छा है और इस पर प्योरिटी जो है इसका बहुत ही अच्छा है। ठीक है, टेस्ट वगैरह भी इसका बहुत अच्छा है, तो आप पतंजलि च्यवनप्राश को मैं 2 नंबर पे रखूंगा। और क्योंकि इसका प्राइस जो है अफोर्डेबल है और ये साधारण आदमी भी इसको आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो हो गया 2 नंबर। उसके बाद 3 नंबर पे मैं रखूंगा बैद्यनाथ च्यवनप्राश। बैद्यनाथ भी एक रेपुटेड ब्रांड है। आपको पता होगा कि डाबर और बैद्यनाथ यही 2 कंपनी आयुर्वेद में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, और उसके बाद अभी नई नई कंपनी सब जैसे जैसे आ रही है तो उनको कॉम्पिटिशन में है, लेकिन बैद्यनाथ च्यवनप्राश भी एक रेपुटेड ब्रांड है। तो बैद्यनाथ च्यवनप्राश भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत अच्छी ब्रांड है ये भी, इसे मैं 3 नंबर पे रखूंगा। 4th नंबर पे बता दूं कि 4th नंबर पे है हिमालय का च्यवनप्राश। हिमालय भी एक अच्छा रेपुटेड ब्रांड है। आज के ये में हिमालय जो है आयुर्वेदिक के रूप में अगर किसी को कोई ब्रांड का नाम पूछा जाए तो हिमालय ब्रांड आपको सजेस्ट करेगा। इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। तो हिमालय भी एक अच्छा ब्रांड है, तो हिमालय को मैं 4th नंबर पे रखूंगा। उसके बाद फिर एक ब्रांड है, उसका नाम है आपको बता दूँ हिमानी सोना चांदी च्यवनप्राश। तो आप इसका बहुत सारा ब्रांड आता है, केसर का मिक्स वाला भी आता है, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हिमानी को मैं 5वें नंबर पर रखूंगा। उसके अलावा और भी बहुत सारे ब्रांड है लेकिन मुख्यतः यही ब्रांड है, तो मैं लेवल के हिसाब से आपको बता दूँ, आप अपने हिसाब से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो नीचे लाइक का बटन दबाएं, और इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग आपको अगर जानकारी चाहिए तो नीचे सब्सक्रिप्शन का बटन दबा दें। सब्सक्रिप्शन फ्री है मुफ्त, इसलिए किसी तरह कोई चार्ज नहीं लगता है। और जैसे ही सब्सक्रिप्शन बटन आप दबाएंगे, आप एक बेल का आइकन आएगा, बेल बटन को दबा दें, तो जिससे आपको नया कोई भी वीडियो मैं डालूंगा तो नोटिफिकेशन आपको चला जाएगा और आप वीडियो देख के लाभान्वित हो सकते हैं। अगर आपको हेल्थ से रिलेटेड या किसी भी तरह का कोई टॉपिक पे, होममेड रेमेडी पे किसी तरह कोई वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर मेरे वेबसाइट www.rochakjankari.xyz
मैं ऊपर भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा और नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। और आर्टिकल जो मैं अभी वीडियो बनाया हूँ आपको च्यवनप्राश पर, उसका एक आर्टिकल भी मैंने पब्लिश किया हुआ है अपने वेबसाइट पे, तो आप चाहें तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से भी जाके आप उसको देख सकते हैं, वहां पे और अच्छा आपको डिटेल में आपको मिल जाएगा।